하게 할게. 너무 날게 할게. 신나게. 웃겨보라. तीसरी स्नोफॉल है इस साल में, तीसरी बार हो रहा है और थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, पर अच्छा है, जाड़ों में बर्फ़ पड़ती है, टूरिस्ट आते हैं, लोगों की थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, अच्छा है, इट्स नाइस, गुड फीलिंग। हाँ, दैट्स ट्रू। धीरे धीरे वापस आ रहा है पैटर्न पुराना बर्फ़ का। कल तो 7-7 फुट बर्फ़ देखी हुई हम लोगों ने यहीं पर, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये तो अभी आधा इंच भी नहीं हुई है, तो लगता है वापस आएगा ये सीजन दोबारा। मेरा नाम इकरार है, मैं भादरावास से आ रहा हूँ। भैया, हम कल से बहुत ज़्यादा फंसे हुए और बहुत बुरा हाल है, बर्फबारी होती जा रही है दिन ब दिन। हमारे पास पैसे थे, वो भी सब खत्म हो गए, कल से बहुत पैसे खत्म हो चुके हैं हमारे पास। हम चौकी में भी गए थे, वहाँ उन्होंने कहा जब बर्फ़ रुकेगी है जब भी तुम जा पाएंगे यहाँ से। पुलिस से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है वहाँ पर, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने वहाँ चौकी में गए थे, वहाँ उन्होंने हमारी बात सुन नहीं रहे, कुल मिला के कुछ भी मदद नहीं मिल पा रही है यहाँ से, और हम चाहते हैं हम किसी तरह यहाँ से निकलवा लें। सोनीपत से आए हैं दनोल्टी, काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छी बारिश हो, बर्फबारी होने लगी, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पिछली बार भी आए थे, अच्छी बर्फबारी हुई थी, हर साल आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे काफी बर्फबारी हो रही है 2 दिन से काफी, और बहुत बुरा हाल हो चुका है, हम फंसे पड़े हैं यहाँ पे, प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे है, तो काफी बर्फ हो रही है यहाँ पे 2 दिन से, बहुत बुरा हाल हो रहा है। गाड़ी भी हमें हमारी फंसी हुई है, 4 किलोमीटर ऊपर है यहाँ पर हमारी गाड़ी फंसी हुई है। हमें आज दिल्ली लौटना था, लेकिन गाड़ी फंसने की वजह से हम नहीं जा पा रहे, और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो कुछ कार्य नहीं कर रहा है, तो हम चाहते हैं वो करे, ताकि हम लोगों को जो दिक्कत हो रही है आगे जाके वो दिक्कत ना हो।